दिल्ली के नरेला के रहने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने यूपीएससी में 18वीं रैंक प्राप्त की है। आज रिजल्ट के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ट्रेनिंग में गया हुआ है, लेकिन जैसे ही यूपीएससी में रैंक प्राप्त की तो मम्मी पापा से फ़ोन पर बात की और खुशी जाहिर की। सिद्धार्थ शुक्ला ने 12वीं के बाद 8 में ग्रेजुएशन की थी और हर रोज़ 8 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। साथ ही बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अभावों की ज़िंदगी जी है। सिद्धार्थ शुक्ला के पिताजी भी यूपीएससी की तैयारी करते थे, लेकिन टेस्ट क्लियर नहीं हुए, तो आज उनके बेटे ने टेस्ट क्लियर कर पिता को वह खुशी प्रदान की है। सिद्धार्थ शुक्ला जब पढ़ाई करते थे किसी भी तरह का परिवार के पास अच्छा रोज़गार नहीं था, साथ ही नरेला के सेक्टर A10 में किराए के मकान में रहते थे। कुछ दिन पहले ही परिवार ने मकान खरीदा है, लेकिन जिस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला पढ़ाई करते थे, टेस्ट की तैयारियां करते थे, उस वक्त किराए के मकान में ही रहते थे। मूल रूप से यह परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल आज यूपीएससी के रिजल्ट के बाद परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी बेहद खुश हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको, कैसा लग रहा है सिद्धार्थ शुक्ला यूपीएससी में 18वीं रैंक लेके आया है? बहुत खुश हूं। कितनी मेहनत करते थे सिद्धार्थ? बहुत मेहनत करता था मेरा बेटा। कितने घंटे? 8 से 12 घंटे। अगर उनके जीवन शैली की बात की जाए, रहन सहन की बात की जाए, तो किस तरीके का उनका व्यवहार था, किस तरीके से जीवन शैली थी? बहुत ईमानदार और मेहनती था, और सारे बच्चों को सोचता था सारे बच्चे पढ़ें और सारे बच्चे आगे बढ़ें। हाँ, तो आज बड़ी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी कि मेरे बेटे का सपना पूरा हुआ और साथ साथ हम लोगों का भी सपना पूरा हुआ। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कैसी खुशी हो रही है आज आपके लड़के ने यूपीएससी में 18वीं रैंक प्राप्त करी है? एक वास्तविक स्वाभाविक खुशी जो हो सकती है एक बाप को, वही हो रही है। कितनी देर मेहनत करता था सिद्धार्थ शुक्ला? मैं समझता हूँ कि 8 से 12 घंटे रोज पढ़ता था जी। लगातार एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखता है सिद्धार्थ शुक्ला, और उसके बाद भी इस तरीके का मुकाम उन्होंने पाया है, तो क्या लगता है किस तरीके का आपका लड़का था और कितनी मेहनत उसने की? देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है वो डेडिकेशन होती है अपने लक्ष्य के प्रति। जब वो 12वीं पास किया था तो वो मेरी किताबें देखा तो उसने कहा, पापा आप यूपीएससी की तैयारी करते थे? हमने कहा, हाँ बेटा किया तो था लेकिन सफल नहीं हुए, पापा मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगा। इसीलिए उसने 12वीं के बाद 8 सेलेक्ट किया उसने बीए के लिए, तो उसने लक्ष्य 12वीं के बाद ही बना लिया था और अखबार वगैरह पढ़ना रेगुलर शुरू कर दिया था। तो मैंने ये देखा कि उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और वो अक्सर कहता था कि मतलब अगर कुछ रिफॉर्म करना है पापा, तो जब तक अधिकार नहीं मिलते तब तक रिफॉर्म नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता है। तो शिक्षा में और समाज के मूलभूत ढांचे में अगर सुधार करना है तो यहाँ से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकार मिलते हैं। तो पापा, जो आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हो, मैं अधिकारी बन की कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। तो वो इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता। जो आपका सपना था वो आपके बेटे ने पूरा किया है, कैसी खुशी? मैं ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो मेरा सपना था वो अक्ष मेरे बेटे में उतर के आया और सपना उसने पूरा कर सकते हैं, वही देखता था फोन के बारे में। ने कितने अटेम्प्ट में यूपीएससी में आज जीत हासिल करी, 18वीं रैंक लेके आए हैं? ये चौथा अटेम्प्ट है जी। पहले अटेम्प्ट में उन्होंने प्रीलिम्स किया था, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, थर्ड अटेम्प्ट में उनका मेंस में ही नहीं हुआ था, ये फोर्थ अटेम्प्ट में ये 18वीं रैंक ला पाए। ये लगातार चौथवीं अटेम्प्ट, अभी 2 अटेम्प्ट बाकी थी, चौथी अटेम्प्ट में वो कर लेंगे।